ये सुबह फजर का टाइम है, मैं नमाज़ के लिए उठी तो पता चला कि जी गैस आ रहा है। देखिए अभी मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, 5:30 हो रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा था गैस। मैंने कहा चले सालन गरम कर लेती हूँ, गैस का कोई भरोसा नहीं होता, वैसे भी पूरा पूरा दिन नहीं आता है, तो यहाँ सुबह का टाइम था तो सिर्फ गैस आया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ भी मैंने धो लिए हैं सारे बर्तन, नाश्ता कर लिया था सबने, तो मैंने कहा चले स्लेपे वगैरह साफ कर लेती हूँ। और आज जो है ना, पहले तो ये है कि 1 घंटा सुबह में जो है गैस आ रहा था, अब अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है ना अभी तक आ रहा है गैस। तो मैंने कहा चले आज जो है ना जल्दी से काम करने के बाद घर में जो है ना रोटी बना लूंगी। बाजार की रोटी जो है ना रोज रोज खाई भी नहीं जाती, दिल भी नहीं चाहता खाने को, तो बस यहाँ मैं अभी चूल्हे वगैरह साफ करूंगी ये सब, और किचन का काम हो जाएगा, फिर जो है सफाई करेंगे बाद में। तो बस यहाँ मैंने कहा चले पानी की बोतलें भी भर देती हूँ साथ ही। अच्छा ये जो है ना रोज चिकनी हो जाती है, रोज इनको जो है ना धोना पड़ता है। अभी मैंने जो इनको अच्छी तरह साबुन से धो लिया है, बुरी लगती है चिकनी चिकनी बोतलें, गंदे हाथ लगते हैं ना, सारे खाना खाते हैं या पराठे वगैरह के हाथ लगते हैं तो फिर चिकनी हो जाती है बोतलें सारी। तो बस यहाँ बोतलें भी मैंने भर ली है, और गिलास भी जो है ना सुबह शाम बार बार धोना पड़ता है, गंदे हो जाते हैं हाथ लगते हैं सबके गंदे, तो यहाँ गिलास भी मैंने धो लिया था। मैं इसको भी जो है ना धो के रख देती हूँ। तो बस यहाँ हो गया सारा काम मेरा खत्म, अभी बस ये बर्तन धुले हुए हैं, ये लगाएंगी आयशा, आयशा ये बर्तन लगाएंगी, फिर मैं जो है रोटी बनाऊंगी। और घर जो है ना आयशा ने सारा संभाल लिया, बस ये कि सफाई रह गई है थोड़ी, मैंने कहा लाइट आ जाए तो फिर जो है सफाई भी कर लेते, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर पसीने भी इतने आ रहे हैं। मैंने कहा चले किचन का काम तो कर लेती हूँ, तो बस यहाँ की रह गई है सफाई। आयशा जो ना जल्दी से हो जाती है, कमरा है और बाहर का सहन है, सफाई भी जल्दी से हो जाती है, कोई इतना टाइम नहीं लगता। तो ज़्यादातर जो ना आयशा करती है सफाई, कभी ऐसा होता है कि मैं कर लेती हूँ, वरना जो ना आयशा करी होती है सफाई वगैरह सब। तो बस आयशा भी सफाई करके और फिर आगे की जो रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बस आप लोग जो है ना, तो बस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, आगे का जो भी रूटीन होगी उसमें हमारे साथ ही रहिएगा। तो यहाँ पे जो है जो न्यू आने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए बस आगे जो भी रूटीन है वो स्किप मत कीजिएगा और इसी तरह हमारे साथ रहें। ये शादी पे जाने के लिए कपड़े हो गए हैं प्रेस, और यहाँ कशान ने कहा था कि मेरी जो है ना ये वाली पैंट शर्ट निकाल देना, पहले मैंने कमी शलवार निकाली, कहने लगे मम्मा नहीं मेरी ये वाली पैंट शर्ट निकाल दें, और अभी मुझे जाना है कहीं, तो यहाँ हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं, तो बस जाने की तैयारी है, अभी जाते हैं, वहाँ से आने के बाद शादी में जाएंगे। और ये हस्बैंड का भी सूट इस तरह हो गया, और मैंने अपना यही वाला निकाल लिया जो मैंने अभी माइयों में पहना था वहाँ पर, लेकिन मैं यही कह रही थी आपके जो है ना इस्तरी बहुत हुई है शादियों में जाने के लिए, बार बार जो है ना कपड़े बहुत इस्तरी हुए, बहुत इस्तरी चलिए। मैंने कहा अल्लाह इरहम करे आपके, देखे कि बिल ज़्यादा ही आएगा। और आयशा जो है ना ये देखें मेहंदी लगाई है आयशा ने खुद, बस घर में जो है ना खुद ही ट्राई करती रहती हैं, ये देखें टिकिया बनाई है इन्होंने खुद जो है ना, ऐसी बस बनाती रहती हैं, यहाँ लगा रही हैं आयशा मेहंदी। तो मैं बस जा रही हूँ यहाँ पे, आज जो है ना थोड़ी अब धूप निकल गई है, आयशा जो है लगी हुई है अपनी मेहंदी लगाने में, घर पर ही हैं आयशा, हस्बैंड के साथ में जा रही हूँ, ज़रा मुझे काम है, वहाँ से आके फिर जो है काम वो सॉरी जाने की तैयारी करेंगे, काम भी कह रही, काम तो सारा हो गया, बस जाने की तैयारी करेंगे, फिर आगे की जो रूटीन है वो शेयर करते हैं। अच्छा यहाँ अभी हम गए हुए थे मैयत में, हम लोगों को जाना था तो वहाँ पे हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि जोहर में, हम लोग इसलिए जल्दी चले गए थे टाइम से, मैंने कहा जोहर में मैयत उठेगी, लेकिन उसके बाद जो पता चला कि मगरिब में उठाएंगे, फिर वहाँ मगरिब हो गई थी हम लोगों को वहाँ मैयत में से आए, तो फिर यहाँ वलीमे में जाना था, वो ये कि कहीं खुशी कहीं गम सब तरफ यही चल रहा है। तो अभी जो है ना वहाँ से आने के बाद फिर हमने तैयारी करी, अच्छा हम घर पर आए तो लाइट थी नहीं, अभी भी तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, 3 से 4 घंटे हो चुके लाइट नहीं आई है, लेकिन बस ये कि तैयार हो गए छत पर बैठ के, छत पर ये कि हवा लग रही होती तो यहीं बैठ के तैयार हो गए। तो यहाँ जा रही है जैनब, ये देखें जी जैनब भी तैयार हो गए, जहाँ जा रही है जैनब, ये जा रही है शादी में हमारे साथ। और ये क्या खा रही हो? रोल। भूख लग रही है? ये देखें भाई जैनब का फ्रॉक कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, ये देखें जैनब हो गई है रेडी पूरी, सही ना जैनब? और इनका मेकअप किया है किसने किया है? कशान भाई ने इनका मेकअप किया है और ये बाल बना के आई थी, बाल भी जो है इनके खराब होगा, काफी देर से हम लोग जो है ना तैयार होके बैठे हैं, बस अभी जाने के सारे कपड़े में टपक रही है। ये देखो जरा आप जो है ना खा रही हो ना, ये देखो सारा गिर रहा है यहाँ से कपड़ों पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ। अब हम जा रहे हैं शादी के अंदर, लेकिन ये पड़ोसी वलीमा है वो अभी तक के तो निकले नहीं, हम जाके अभी इसे क्या करेंगे, हम भी थोड़ा लेट जाएंगे, जब वो निकलेंगे पीछे से हम भी निकल जाएंगे। लेकिन अच्छा यहाँ पे मैं यही कह रही थी, मैंने कहा देखे जरा कहीं खुशी है कहीं गम है, और जो है ना सुबह जो है मैयत में गए हुए थे और शाम में जो है ना शादी में जा रहे हैं, तो बस हर तरफ जो है ना यही चल रहा है। तो बस ये कि जहाँ हम गए थे तो वो काफ़ी एजिड थी जिनका इंतकाल हुआ है,
तो वहाँ भी जाना जरूरी था। जाहिर सी बात है हर जगह जो है जाना भी पड़ता है, जब खुशी में इंसान जाता है तो गमी में सबसे पहले जाना चाहिए। तो बस वहाँ गए हुए थे, लाइट चले भाई, लाइट भी आ गई, अब तो हम हो गए तैयार। तब से हम लोग जो छत पे बैठे हुए, लेकिन लाइट अभी तक आई नहीं थी, अब आई है लाइट। कहाँ चले? बस शादी में चलो, शादी में चलो। अभी तो इनकी पिटाई लगेगी, इनकी मम्मा मारेंगी, है ना? मम्मा से पिटाई लगेगी ना। अजान अजान भी पीछे लग रहा है कि ना मुझे भी लेके चले, लेकिन जो है ना वो छोटे भी है और जो है ना टिकते भी नहीं है वो, तो इसलिए जो है ना जैनब सही है, जैनब एक जगह बैठ जाती है ना। जैनब मम्मा से पिटाई लगेगी ना। अजान कैसे बोल रहा? बाप 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 अजान मार ला। अजान जो है ना बहुत माशाल्लाह जो है ना शरारती है, थोड़े से वो बैठते नहीं है, वो टिक्के जैनब नहीं करती, इतनी शरारते है बस वो जो है ना, थोड़े से है चुलबुले से, तो वो मस्तियाँ करते रहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, बस उनको जो है ना पकड़ते रहो, टिकते नहीं है वो बिल्कुल भी। तो जैनब जो है ना, जैनब अच्छी बच्ची है। कैसे बोले थे सर? बब्बम। अब माशाल्लाह वो बोलने लगा है ना, तो बोल रहा था बाबा को, बोला था बाबा, और वो नंद का छोटा वाला बेटा आया हुआ, उसका नाम भी अजान है, तो उसका नाम ले रहा था अजान अजान। तो वो बता रहे हैं जैनब, है ना जैनब? हाय वो छोटा अजान। हमारे भांजे का नाम है अजान, अजान, और क्या नाम है, हमारे मुन्ने का नाम है अजहान। अच्छा जी, हम लोग यहाँ आ गए थे वलीमे में, ये देखिए जी यहाँ बैठी हुई है ज़ारा, ज़ारा के बराबर में बैठी थी मैं, कशान, हम सब जो है एक ही टेबल पर बैठ गए थे, हसनैन भी था, जैनब भी थी। जैनब की अभी आप लोगों को आगे हरकतें देखने को मिलेंगी कि किस तरह से जो है ना वो हरकतें कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे और यहाँ पे जो है वलीमे वाले भी आ गए थे, तो बस यहाँ इंट्री वगैरह चल रही थी, हम लोग मज़ा सुकून से यहाँ साइड पे बैठे हुए थे। अपनों की तो होती है शादी, तो उठ के कहीं चल फिर लेता है इंसान, लेकिन यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं था, बस जाके जो है ना हम लोगों ने बैठना ही था और खाना खा के वापस आना था। तो बस यहाँ पे वलीमे में हम लोग चले गए थे, ये देखिए रोटी ला के रखी, तो जैनब जो है ना यहाँ रोटी खाना शुरू हो गई, इनको शायद भूख लग रही थी। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि उससे पहले आप लोगों को पता है कि मैं मैयत में चली गई थी, वहाँ से आई तो फिर जो है ना वलीमे में आना था, आपको पता सब जगह जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है। तो बस यहाँ यही चल रहा था, और इसी के साथ मैं चाहती हूँ आप सबसे इजाज़त, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे अच्छे से व्लॉग बना सकूँ, बस मैं कुछ जो है ना टेंशन में इतनी होती हूँ कि मुझसे जो है ना खुद व्लॉग नहीं बन पाते सही तरह, तो बस यही मेरी रूटीन होती है जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में